हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद हेमंत में। आज का डेट है 12 अक्टूबर 2020 और अभी टाइम हो रहा है 9:26। ये 2 मिनट का कैंडल है। आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था और 23,957 पे और वहाँ से सीधा ऊपर 24,186 तक आया है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ नहीं किया है, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं कैंडल स्टाइल लाइन पे लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 15 मिनट्स या 1 आवर पे लगा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पॉइंट, वहाँ से जब लिया था 24,189। तो यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं 24,197, ओके 24,197 पे, और दूसरा यहाँ पे एक है, यहाँ से रिवर्स लिया था मार्केट ने 24,443, और दूसरा है यहाँ पे 24,738। सो ये तीनों यहाँ पे रजिस्टर की तरह ऐड करेंगे। अभी मैं टाइम को 2 मिनट में डाल देता हूँ और वेट करते हैं यहाँ पे मार्केट रिवर्स रहता है कि नहीं। आज मैंने ट्रेड लिया था 24,200 पे, टोटल सेल क्वांटिटी 4,350 और टोटल बाई क्वांटिटी है 4,350 और प्रॉफिट है 21,912 रुपीज़। 24,200 का मैंने लिया था, 24,200 का PE और 21,200 का सी। ये वाला 2 स्ट्राइक मैंने लिया था। 15 पॉइंट का टारगेट मैंने लिया था और 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। सभी वेट करके देखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है तो फिर से हम 24,200 का शॉर्ट ट्रेडल बना सकते हैं। मैं एसी अग्रवाल में ट्रेड करता हूँ। एसी अग्रवाल में एक लॉट बैंक निफ्टी ऑप्शन सेल करने के लिए फ्लैट 3,500 रुपीज़ लगता है और ब्रोकरेज ₹8 लगता है। जिनको भी एसी अग्रवाल में अकाउंट ओपन करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।